नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की, जिसकी सबसे ज्यादा किल्लत की खबर आ रही है। ऐसे में कुछ लोग बिना डॉक्टरी सलाह के भी अपने स्तर पर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की व्यवस्था कर इसका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो तो ये भी घातक साबित हो सकता है। इसकी वजह एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने न्यूज चैनल आज तक से बातचीत के दौरान बताई। रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ऑक्सीजन कैन को खरीद कर रखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपने 10 से 15 मिनट के लिए ऑक्सीजन ले ली तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है तो आपको हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, वहाँ मॉनिटर करके आपको ऑक्सीजन लेने की जरूरत है। इसलिए घर पर आप ऑक्सीजन लें और इसकी मॉनिटरिंग भी ना हो पाए और आपको ऐसा लगे कि मैं ठीक हूँ, ये धारणा ठीक नहीं है। अगर आपकी सैचुरेशन 94 से कम है तो डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर 90 से कम है तो तुरंत अस्पताल जाएं। घर पर ऑक्सीजन ना रखें क्योंकि उससे आपको गलतफहमी भी हो जाएगी। इसी तरह रेमडेसिविर को लेकर डॉक्टर गुलेरिया ने बताया कि रेमडेसिविर को लेकर अब तक जितनी भी स्टडी हुई है उससे पता चला है कि रेमडेसिविर से हॉस्पिटल एडमिशन कुछ दिन कम हो जाते हैं, लेकिन वो मोर्टालिटी ठीक नहीं करती। वो कोई ऐसी जादुई दवा नहीं है कि इससे इंसान ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज ये कि रेमडेसिविर की जरूरत उन्हीं लोगों को है जिनकी हालत बहुत गंभीर हो, जो हॉस्पिटल में हो, जिनके फेफड़े में इन्फेक्शन फैल गया हो और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गई हो। माइल्ड केसेस में रेमडेसिविर देने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन लोग पैनिक हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा भी वायरस इन्फेक्शन हो रहा है तो रेमडेसिविर ले सकते हैं। ये ठीक नहीं है क्योंकि हर दवा के अपने साइड इफेक्ट होते हैं, रेमडेसिविर के अपने साइड इफेक्ट हैं। इसलिए कोविड से लड़ने में आप अगर सेल्फ ट्रीटमेंट का सहारा ले रहे हैं तो इन चीजों का आवश्यक ध्यान रखें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।